बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत से होंगे, खुश खुशियां होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे और माशाल्लाह आपके रोजे बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे व्यूअर्स, तो दुआ में मुझे भी याद रखेगा। चलिए व्यूअर्स अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं मजेदार से समोसे, जो घर पर हम तैयार कर रहे हैं, घर की पट्टियों से टेस्टी और लाजवाब से समोसे और रोल हम तैयार कर रहे हैं। और आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, कौन से इंग्रीडियंट्स किस मकदार में हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको समोसों को हम कैसे मजेदार से तैयार कर सकते हैं घर पर साफ सुथरे माहौल में। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया थोड़ी परात, अभी इसमें हम डालेंगे ये आलू। मेरे पास पहुंचे हैं तो इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। उस टाइम पे क्रश कर लेंगे, बेशक आप हाथों से इसको ऐसे मैश कर लें, क्योंकि आप जब समोसे बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा आलू ऐसे ही चाहिए होता है, ज्यादा क्रश के हुआ मजा नहीं करता। ये देखिए बस, ये मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट बंद गोभी शामिल कर देनी है, क्योंकि इसका भी बहुत मजे का फ्लेवर होता है। ये हमने सारी बारीक काट ली थी और वो हमने इसमें शामिल कर दी है। जो बड़ा पीसेस है वो हम इसमें से कट कर देंगे। इस पॉइंट पर ये 4-10 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप करके। इसमें भी मैं हरा धनिया डालूंगी। इसमें पर भी मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया और थोड़ा सा पालक के पत्ते हैं फ्रेश, वो हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करते हुए। वन टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, इस हिसाब से इसमें सॉल्ट ज्यादा डालना। और इसमें मैं रेड चिली डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून हमने रेड चिली इसमें शामिल कर देनी है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा डाल देंगे बस। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे बस, इसकी भी बहुत जबरदस्त स्मेल होती है और टेस्ट में भी मजा आता है। 1 टेबल स्पून हम इसमें बस चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे, क्योंकि चटपटा तीखा होता है तभी मसाला मजे का लगता है। बस बाकी और कुछ भी हम इसमें शामिल करेंगे बस, अगर चाहते हैं इसमें चाट मसाला डालें और थोड़ी सी मैं अजवाइन भी इसमें शामिल करूंगी। 1 पिंच करीब हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है और तो उसके अलावा ये व्यूअर्स ये बादी गैस नहीं बनने देती। बस इसको बहुत अच्छे से मैं हाथों से मसाले को मिक्स कर लूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। बस 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ले लिया और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी ग्रेवी से तैयार कर लेंगे, यानी कि जो समोसे हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम उसको तैयार करेंगे, ताकि समोसे अच्छे से सील हो जाए और वो खुले ना पट्टियाँ। बस मैंने पट्टी उठा ली, इस पट्टी को मैंने ऐसे कर लेना है। इसमें हम डालेंगे बैटर व्यूअर्स ऐसे, समोसों को हमने बैटर अच्छे से इसमें भर देना है और फिर मैंने ब्रश की मदद से इसमें से भर देना है सीम पानी। देखिए बस मैंने बैटर से ऐसे समोसा हमारा तैयार हो जाएगा। ये मैंने ऐसे खाना है, इसको मैंने ऐसे करना है, इधर फोल्ड ऐसे, इसकी बनाना है ऐसे कोन, और ये बैटर उठाना है इसमें डाल देना ऐसे। अच्छे से इसके अंदर भर देना और यहाँ पर मैं बस ब्रश की मदद से ऐसे डाल के ऐसे सील बंद कर देंगे। देखिए बस ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं।
ऐसे 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 घुमाना, ऐसे इस हॉल में लगाना है बैटर सारा, अच्छे से प्रेस कर। कोई मुश्किल नहीं है, इसको बनाना बहुत इजी और आसान है। बस पट्टियाँ आपने तैयार करनी है और उसके बाद आप फिलिंग कोई सी भी डालें, उसको अच्छे से आप ऐसे तैयार करके रखते हैं। देखिए बस ये मैंने माशाल्लाह कितने अच्छे से रोल तैयार कर लिए हैं इस टाइम पे, ऐसे स्क्वायर शेप में। और ये समोसे मेरे काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुके हैं, इनको मैं सेव कर लूँगी या आप फ्तार टाइम पर इसको अच्छे से तैयार कर लें। बहुत ईजी और आसान रेसिपी है। और चलिए बस अब आपके साथ उनका हम फ्राई करेंगे और आपको दिखाते हैं कितने मज़ेदार से घर पे आप समोसा रोल और समोसे पट्टी तैयार कर सकते हैं, और उनको कैसे आप फ्राई करेंगे और किस उनको तैयार करते हैं। सारे ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत मज़े के बन गए हैं। तो चलिए इसको आप सेव भी कर सकते हैं एक महीने के लिए, जब चाहे आप इसको अच्छे से डीप फ्राई करें और फिर इसको मज़े लेकर खाएँ। बोले चाचा ये मैंने अच्छा सा बॉल ले लिया है, अब इस टाइम में मैं इसको फ्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं इनको ऐसे रख लूँगी इसमें बने एक महीने के लिए सेव करने के लिए। ये वाला भी इस्तेमाल रखें और ये आपके बेहतरीन से एक महीना तक अच्छे से सेव हो सकते हैं। मैं कवर कर दूंगी, मैंने ऐसे रखे और पसंद हम इसको कवर लगा के इसको फ्रीजर करने के लिए रख लेंगे। तकरीबन एक महीने तक आप इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब चाहे आप निकालें और इसे ऑयल में फ्राई करने से 10-15 मिनट पहले निकाल लें और ठंडे ऑयल में हमको अच्छे से फ्राई कर लेना, क्योंकि ये फ्रीज किए होंगे तो आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो टेम्परेचर का नॉर्मल हो जाएगा और बेहतरीन से कुक हो जाएंगे। यही वह मैंने रोल और समोसे बेहतरीन से तैयार कर लिए हैं इस टाइम पे, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ही, बिल्कुल इजी है रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। बस
आप घर में साफ सुथरे माहौल में अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। और अब इनको हम फ्राई करेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी इसको कि हम उसको कितना अच्छे से सेव कर सकते हैं। और मैंने आपको सेव करने का तरीका भी बताया कि इसको हम अच्छे से जो किसी भी बड़े से डब्बे में एयरटाइट बॉल में शिफ्ट करके अच्छे से सेव कर सकते हैं। फिर अब ये मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डालेंगे हम घी, क्योंकि हम बना रहे हैं समोसे को फ्राई करेंगे जो मैंने तैयार कर लिए थे। तो ये हमें इसमें घी डाल देना है इतना, जिसमें समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें समोसों को फ्राई करने के लिए डाल देना है इसमें। और फ्लेम भी सुंदर फुल है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त से ठंडे ये बन चुके हैं हमारे समोसे। ये देखो ये व्यूज मैंने अच्छे से इसमें निकाले हैं सारे समोसे, इसमें लाल हो रहे हैं। ये देखें ऑयल को सेपरेट करते हुए हम इसको निकालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, और क्या ही प्यारी ये समोसे स्टेप पे तैयार हो चुके हैं। इसी को स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने मजीद और समोसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। जी व्यूज स्टेप पे बेहतरीन मजेदार से हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। क्या खूबसूरत जबरदस्त है हमारे रोल और समोसे तैयार हो चुके हैं, टेस्टी और लाजवाब। इसको हम इमली की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए बस ये ऐसे ये चटनियाँ हमारे पास हैं, चाहे तो आप केचप के साथ खाएं, चाहे तो आप इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत स्पाइसी और मज़ेदार से बने हैं। तो व्यूअर्स ये देखें एक समोसे मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का बना है, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब से हमारे समोसे बने हैं। और ये डो बिल्कुल परफेक्ट कम्प्लीट कुक हो चुकी है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। इसके साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहूँगी, ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।